हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15 ग्रुप एलिमेंट्स की। तो देखिएगा, यहाँ पर अपन जब भी डिस्कस करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स को, तो आप बता सकते हैं इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट अपन पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये एस ब्लॉक होगा आपके। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पर आपके आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नेक्स्ट है आपके डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो देखिएगा, 15 ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है पी ब्लॉक का, 15 ग्रुप एलिमेंट्स जिसे कहा जा रहा है। क्लियर, देखिएगा यहां पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मत आपके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। इनमें देखिएगा, फर्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए बात होगी इसमें, फास्फोरस उसके लिए आप डिस्कशन करेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, फास्फोरस के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो देखिएगा कंटिन्यू अपन करते हैं इसको, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फिर इनके एटॉमिक नंबर देखिएगा बेटा, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 एंड बिस्मथ का 83 होता है। क्लियर, तो आप यहां 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्लियर, तो देखिएगा इनके एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मिथ 83। फिर देखिएगा यहां पर ग्रुप वाइज इनका ट्रिक भी होता बेटा। जैसे नाइट्रोजन की बात करें आप, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। ओके, आप इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं ग्रुप वाइज कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो ट्रिक हो जाएगा यहां पर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके बेटा, या आप यूं भी कह सकते हैं नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ओके, ये ट्रिक है बेटा। क्लियर, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर आर आल्सो कॉल्ड निकोजन्स। देखिएगा, नाइट्रोजन फैमिली जो भी मेंबर्स हैं इनको क्या कहा जाता है इंडिविजुअली, निकोजन्स कहा जाता है। ठीक है, निकोजन्स इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सफोकेटिंग एंड पॉइजनस जो कंपाउंड है वो फॉर्म करते हैं बेटा। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो भी मेंबर हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये पॉइजनस और सफोकेटिंग कंपाउंड फॉर्म करते हैं बेटा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर, बिकॉज कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पॉइजनस इन नेचर और फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स। ओके, तो पॉइजनस और सफोकेटिंग कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं बेटा। क्लियर, नेक्स्ट ऑक्यूरेंस में देखिएगा आप कि नाइट्रोजन कहां कहां अवेलेबल है। देखिएगा, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में और कंबाइन स्टेट में दोनों में अवेलेबिलिटी शो करता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर 78% ये होता है फ्री स्टेट में, 78% एटमॉस्फेयर में मिलेगा और ये फ्री स्टेट में मिलेगा। नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कंपाउंड्स के साथ में या कंपाउंड्स में मिलेगा ये। चिली सॉल्ट पिटर NaNO3 फर्स्ट आपके मिनरल हो जाता है इसका, चिली सॉल्ट पिटर NaNO3 एंड इंडियन सॉल्ट पिटर KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता बेटा चिली सॉल्ट पिटर और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट होता है इंडियन सॉल्ट पिटर। क्लियर, ओके, फास्फोरस के लिए अपन बात करते हैं तो कह सकते हैं बेटा ऑक्यूरेंस इन एपेटाइट फैमिली और अकर्स इन एपेटाइट फैमिली। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये एपेटाइट फैमिली
में कंबाइंड फॉर्म में ये अवेलेबल होगा। देखिएगा कॉमन फॉर्मूला हो गया Ca9PO4 का होल 6 डॉट CaX2। ओके यहां पर देखिएगा 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaX2। यहां पर X क्या बेटा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OR एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है। क्लियर, इसमें फ्लोरोएपेटाइट जो होगा बेटा वो बॉन्ड्स में अवेलेबिलिटी शो करता है। जैसे आप बात कर सकते हैं फ्लोरीन के साल्ट के 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। क्लियर, तो यहां पर बात हो सकती है बेटा कि इसको फ्लोरोएपेटाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्लोरोएपेटाइट। और फ्लोरोएपेटाइट कहां प्रेजेंट होता बेटा, प्रेजेंट इन बॉन्ड्स एज वेल एज लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स की जो भी बॉन्ड्स होंगी उनमें ये प्रेजेंट होता है। बिस्मिथ आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऑक्साइड बिस्मिथाइट, ठीक है बिस्मिथाइट बोलेंगे इसको, B2O3 या Bi2O3, ठीक है। सल्फाइड में बिस्मिथ ग्लांस, जैसे आप बोलेंगे Bi2S3, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे बेटा। ओके MCQs देखिएगा, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 15 इज, 15 ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट्स कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ प्रेजेंट होते हैं यहां पर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मिथ इज 7, 33, 51, 83। तो 83 यहां पर एटॉमिक नंबर मिलेगा। क्लियर बेटा, इसमें देखिएगा इंडियन सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर KNO3, NaNO3, MgNO3 का होल ट्वाइस, नन ऑफ दिस, तो यहां पर मिल जाएगा फर्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर, फास्फोरस अकर्स इन फैमिली, फास्फोरस किस फॉर्म में यहां पर मिलता है, नाइट्रेट, एपेटाइट, ऑक्साइड, None of these, तो appetite form में यहां पर phosphorus का occurrence show होता है बेटा। Clear? Electronic configuration and physical property of 15 group elements. Okay? तो देखिएगा अब अपन discuss करेंगे बेटा sequence wise electronic configuration, nitrogen to bismuth, और फिर next topic रहेगा आपके physical property. Clear? देखिएगा अकॉर्डिंग टू हार्बर प्रिंसिपल एन एटम इज बिल्ड अप बाय प्रोग्रेसिवली एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन्स की एडिंग को हार्बर प्रिंसिपल से बिल्ड किया जा सकता है। देखिएगा यहां पे 1, 2, 6 and 7 भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है क्योंकि 7 पीरियड अब कंप्लीटली फुलफिल्ड है, एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड किए जा चुके हैं। तो देखिएगा यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्रेसिवली एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। क्लियर बेटा, फर्स्ट ऑल आप 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में। तो देखिएगा यहां पर ये सीक्वेंस जो है, फर्स्ट 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3D, 4P, 5S, again 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P और फिर आता है यहां पर 7S, ओके अगेन 5F, 6D एंड 7P, ये होता है 7P में, ठीक है। तो कंप्लीटली 7 पीरियड तक ये प्रोग्रेसिवली एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हार्बर प्रिंसिपल से आप बिल्डअप कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ओके नेक्स्ट देखिएगा क्या क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट्स को देखेंगे, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहां पर आपके एलिमेंट्स मेंशन होंगे, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ब्रीफ
ट्रैप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप इनर्ट गैसेस एलिमेंट को कंसिडर कर लिखते हैं। क्लियर बेटा? ओके, देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, फॉस्फोरस का P होता है, आर्सेनिक का As होता है, एंटीमनी का Sb होता है और बिस्मथ का Bi होता है। इसके लिए एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 एंड बिस्मिथ 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 and 4p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 and 5s2 and 5p3, clear? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 3d, ये 4p6 and 4d10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10 and 6S2 और 6P3। आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका, आउटर मोस्ट सेल, ये देखिएगा यहां पर ये आउटर मोस्ट सेल होगा, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये 5s2, 5p3 एंड 6s2, 6p3 आउटर सेल होंगे। तो देखिएगा आप इनको मेंशन कर सकते हैं बेटा इस तरीके से, और इनका जो शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो 2s2, 2p3, फिर नियॉन के बाद 3s2, 3p3, ऑर्गन के बाद 3d10, 4s2, 4p3 हो जाता है, क्रिप्टॉन के बाद 4d10, 5s2 और 5p3 हो जाता है, ज़ीनॉन के बाद 4f14, 5d10, 6s2, 6p3। आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, यहां पर ये रेड रेड जो होगा ये क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? देखिएगा यहां पर नेक्स्ट में बात करें अपन फॉस्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, जो भी रेड जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां अंडरलाइन किया जा रहा है, ये क्या है बेटा, इन एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लियर? देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, तो यहां पर आपको मालूम होगा बेटा कि ये ज़ीनॉन है, 4F14, 5D10, 6S2 और 6P3। क्लियर? यहां ये कंप्लीट 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे आप ब्रीफ रेफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, NP3। एटॉमिक साइज, एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डायग्राम। कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं डाउन, तो कह सकते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होती चली जाती है। नाइट्रोजन के लिए देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज का डायग्राम देखिएगा, ये है आपके साइज डायग्राम। ओके, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डायग्राम, साइज इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होगा शेल नंबर इंक्रीज होगा, और शेल नंबर इंक्रीज होगा तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। आर्सेनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है,
एंटीमनी, 4d10, 5s2, 5p3, ओके। इसका साइज देखिएगा बेटा, यहां पर इसका साइज और लार्ज हो गया है, बिस्मिथ हाईएस्ट साइज है, नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, क्लियर। तो आप यहां पर देख सकते हैं बेटा टू एनर्जी लेवल्स, टू एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, यहां पर टू सेल अवेलेबल हैं, टू सेल अवेलेबल होंगे, थ्री एनर्जी लेवल्स, फोर एनर्जी लेवल्स, फाइव एनर्जी लेवल्स एंड सिक्स एनर्जी लेवल। और जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सब सेल का रिक्वायरमेंट होता है, और सब सेल जैसे जैसे इंक्रीज होंगे साइज भी इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके डाउन द ग्रुप, न्यू सेल आर एडेड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, ओके। तो आप कह सकते हैं डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप। तो नाइट्रोजन टू बिस्मिथ आप जा रहे हैं, नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, तो आप कहेंगे कि न्यू सेल्स आर एडेड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड है आपके आयोनाइजेशन एनर्जी, तो साइज इंक्रीज होगी तो आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मत ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ओके। तो साइज इंक्रीज होगी तो आईई डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर चार्ज कम रख रहे हैं और अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को इजीली कम एनर्जी से रिमूव किया जा सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट loosely bound electron from the outermost shell of an isolated atom in the gaseous state, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बेटा it is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an isolated atom in the gaseous state, तो क्या हो जाती है आपके ionization energy हो जाती है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, तो देखिएगा एलिमेंट और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम देखते हैं, तो नाइट्रोजन नॉन मेटल होगा, फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है मेटेलॉइड होता है, एंटीमनी मेटेलॉइड होता है, एंड बिस्मिथ जो है वो मेटल है। तो आप कह सकते हैं बेटा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड, एंड बिस्मिथ मेटल, क्लियर, ओके। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। एमसीक्यूज देखिएगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डिक्रीजेज, नो चान एंड कैन नॉट से, कोई चेंजेज नहीं होता, ठीक है। यहां पर देखिएगा जो आंसर आएगा वो रहेगा इंक्रीजेज, ओके। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, नो चेंजेस, कोई भी बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ये कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता चला जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेल एच वन डेल एच टू डेल एच थ्री आर इज द ऑर्डर, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कंटिन्यूअसली वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए आईपी या आईई की वैल्यू इंक्रीज होती है, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो डेल वन
कम होगी, फिर डेल टू उससे ज्यादा और डेल थ्री हाईएस्ट, ठीक है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होती है, क्लियर। इन ग्रुप 15 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, तो यहां होगा नाइट्रोजन, ओके। तो 15 में नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर। एंटीमनी इज ए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नन ऑफ दीज, तो मेटलॉइड, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा बेटा, यहां पर कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है डिफरेंट। जैसे नाइट्रोजन की बात करें अपन सबसे पहले, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -3 to +5 तक होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में नाइट्रोजन अपना डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। नेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले आप नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे। अमोनिया, अमोनिया में -3, N2, H4, हाइड्रोजन -2, N2, ये NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन -1, N3H, हाइड्रोजोइक एसिड 1/3 माइनस में, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन भी कह सकते हैं 0, N2O डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से लाफिंग गैस भी कहा जाता है +1। तो देखिएगा आप कह सकते हैं बेटा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +5 to -3 होती है, +5 to -3 होती है। तो अमोनिया में -3 देखिएगा, अमोनिया में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, हाइड्रोजन जो है -2, हाइड्रोक्सिल एमीन -1, हाइड्रोजोइक एसिड -1/3, डाइनाइट्रोजन 0 एंड N2O लाफिंग गैस +1। नेक्स्ट देखिएगा NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +2, N2O3 और HNO2, आप इसको नाइट्रस एसिड और डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। +3 NO2 और N2O4 डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी को डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं, इसमें +4 एंड HNO3 और N2O5 में नाइट्रिक एसिड, और इसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कहेंगे, +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, क्लियर बेटा। तो देखिएगा आप बोल सकते हैं यहां पर कि नाइट्रोजन जो है वो +5 to -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्लियर क्या, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन N2, ये NS2, NP3, दिस सजेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +5 and -3, ओके। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, देखिएगा टॉप टू बॉटम चले आप, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो +3 to +5 की ओर हो जाती है। तो आप कह सकते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ओके। तो यहां पर +5 ज्यादा स्टेबल होगा और यहां पर +3, क्लियर क्या। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NS2 NP3, ओके। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहां पे NS2 के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना क्लोज कर देते हैं, क्लियर क्या। और इसका रीजन है आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका रीजन क्या बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। इनर्ट पेयर इफेक्ट
होता है जिसमें एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत न्यूक्लियस के क्लोजली होते हैं जिससे इनमें अट्रैक्शन हो जाता है और एनएस के इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं किए जा सकते। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है बेटा। क्लियर? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स लाइक NF5 और NCl5, व्हाइल फास्फोरस कैन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक PCl5। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट 3s और 3p रखेगा और 3d, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइग्रेट कर जाता है तो कोवेलेंसी एक्सपेंड करता है। बट नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिट, देखिएगा यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिट प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिट नहीं होते, ठीक है, जिससे वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता। ओके, दिस कैन नॉट हैपन इन नाइट्रोजन ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स। एमसीक्यूज, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 5 स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिएक्टिव पेयर, जोल थॉमस इफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर हो जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर +3 -3 and +5 -5 +3 -3 -5 -3 +2 -2 +5 +3। तो हो जाएगा फर्स्ट +3 -3 +5। ओके, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसके लिए? ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन ए ग्रुप डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डज नॉट चेंज, कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो हो जाएगा इंक्रीजेस, प्लस 5 से प्लस 3 की ओर ज्यादा स्टेबल होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक 3d10 4s2 4p3। थैंक यू स्टूडेंट्स।